कोरोना की दूसरी लहर के ये जख्म भरे भी नहीं है कि एक बार फिर कोरोना खौफ पैदा करने लगा है। साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के डर ने दुनिया को एक बार फिर लॉकडाउन की ओर धकेल दिया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी बैठक बुलाई और नए वेरिएंट को लेकर हिदायत दी। प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा, नए वेरिएंट के लिए हमें अभी से तैयार रहने की जरूरत है। जिन इलाकों में ज्यादा केस आ रहे हैं वहां पर निगरानी और कंटेनमेंट जैसी सख्ती जारी रखी जाए। लोगों को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजों का पालन सही तरीके से किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में छूट देने की योजना की समीक्षा की जाए। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज की कवरेज बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। राज्यों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि जिन्हें पहली डोज मिल गई है उन्हें दूसरी डोज समय पर लगा दी जाए। हम सौभाग्यशाली हैं कि आरंभ से ही प्रधानमंत्री जी ने डे टू डे बेसिस पर स्वयं समीक्षा की है और यही कारण है कि कोविड के इस युद्ध में भारत की सफलता विश्व भर में अब कबूल की जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पहले ही चिट्ठी लिखकर अलर्ट रहने को कहा है। केंद्र सरकार की ओर से भी कहा गया है कि पॉजिटिव पाए जाने वाले सैंपल्स को तुरंत जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरी में भेजा जाए। देश के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने भी इस वेरिएंट को लेकर आगाह किया है। दिल्ली सरकार ने विशेषज्ञों से सुझाव मांगा है। सोमवार को डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नए वेरिएंट से बचाव पर जानकारी देगी। गुजरात सरकार ने कई रिस्क वाले देशों से आने वाले लोगों का टेस्ट जरूरी कर दिया है। मुंबई में साउथ अफ्रीका से आने वालों को क्वारंटीन किया जाएगा। बीएमसी ने तैयारियों को लेकर आपात बैठक बुलाई है। कोविड वाला वास्तव में यूरोप में आतंक मचाया हुआ है। WHO अगर WHO कह रहा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूरोप में 5 लाख लोग मरेंगे, पहले कहता था, परसों कह दिया 7 लाख लोग मरेंगे। अब कितने मरेंगे किसी को नहीं मालूम है, पर अगर मान लीजिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चेता रहा है तो उसके मायने हैं अपने। और जो नया वेरिएंट आया कल परसों साउथ अफ्रीका के अंदर, और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है वो। हमारे यहाँ थर्ड वेव की संभावना व्यक्त की जा रही है, पर अभी फॉर्चुनेटली अभी लक्षण दिख नहीं रहे, परंतु पिछले 10 दिनों में जो संख्या बढ़ रही है, राजस्थान में बढ़ रही है और सब जगह बढ़ रही है, वो चिंता का विषय बना हुआ है। कोरोना का नया वेरिएंट आने के कारण बहुत ही मुंबई में चिंता बढ़ गई है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की तरफ से जो प्रवासी आ रहे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। जो प्रवासी आ रहे उनको, जो दक्षिण अफ्रीका हो या दूसरे देश से आते कंट्री से, तो उनको जीनोम सीक्वेंसिंग का चेक करना पड़ेगा। कोरोना की सबसे बड़ी वजह यात्रा होती है, जहां कोरोना संक्रमित एक जगह से जाकर दूसरी जगह इस बीमारी को फैलाते हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर सरकार मंथन कर रही है। भारत ने कई देशों को नए वेरिएंट के लिहाज से रिस्क वाले देशों की लिस्ट में रखा है। इसमें यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इसराइल शामिल है। हांगकांग, बोत्सवाना और इसराइल से आने वाले यात्रियों की जांच के लिए सभी एयरपोर्ट्स को निर्देश दिए गए हैं। विदेशों से आ रही फ्लाइट एक बार फिर देश में कोरोना का नया वेरिएंट ला सकती है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार से वेरिएंट प्रभावित देशों की उड़ानें रद्द करने की मांग की है। मैं प्रधानमंत्री से नए कोरोना वेरिएंट से प्रभावित देशों की उड़ानें बंद करने की गुजारिश करता हूं। बड़ी मुश्किल से हमने कोरोना पर काबू पाया है, ऐसे में नए वेरिएंट को भारत में प्रवेश से रोकने की हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। गनीमत है कि भारत में अभी तक ओमिक्रॉन की दस्तक नहीं, लेकिन वेरिएंट ओमिक्रॉन बेहद खतरनाक माना जा रहा है, जिस पर वैक्सीन कितनी प्रभावी होगी ये भी वैज्ञानिकों के लिए चिंता का सबब है। इस वेरिएंट को लेकर सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ये ओरिजिनल वायरस से म्यूटेशन के कारण काफी अलग है, और ये देखने वाली बात होगी कि वैक्सीन ओरिजिनल वायरस के लिए निर्मित की गई थी और इसके अगेंस्ट कितनी इफेक्टिव है। हालांकि अभी तक की स्टडीज के मुताबिक इस वेरिएंट में कुछ ऐसे म्यूटेशन हैं जिनकी वजह से एंटीबॉडीज के लिए वायरस की पहचान कर पाना मुश्किल है। ऐसे में ये संभावना है कि वैक्सीन जनरेटेड एंटीबॉडीज इसके खिलाफ कितनी इफेक्टिव रहेगी, इस पर डिटेल स्टडी की बहुत जरूरत है।
उधर राहुल गांधी ने भी सरकार से टीकाकरण को लेकर गंभीर होने की बात कही है। बहरहाल ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के बड़े बड़े देशों में दस्तक दे चुका है, ऐसे में तैयारी है इस वेरिएंट को हिंदुस्तान में आने से रोकने की। आज तक ब्यूरो।